नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, फास्ट रिवीजन सीरीज का ये नौवां वीडियो है। आठ वीडियो जिस सीरीज के पहले ही अपलोड हो चुके हैं, और फ्रेंड्स बीच में इसमें सीरीज में थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक आध टॉपिक ले लेंगे और फिर बाद में कंटिन्यू रखेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक राजनीतिक अधिकार, राज्य दायित्व, नागरिक अधिकार या मूल अधिकार? तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन भी आपसे पूछा है मैंने पिछले वीडियो का, कि संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसके मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को दर्जा दिया गया है 2002 में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मूलभूत अधिकार है शिक्षा। 2002 में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है, आपको पता ही होगा। आज पिछले वीडियो का क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन है, NCTE की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE की स्थापना कब हुई? 1995। और इसमें को हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और NCTE का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए आपको? सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, अलग से या निजी रूप से? तो फ्रेंड्स, आपको छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। और आप खुद भी ये आजमा के देखें अपने स्कूल में स्टूडेंट्स पर, जो स्टूडेंट्स मैथ में बहुत अधिक वीक हो उसकी प्रशंसा कर दो दूसरे टीचर्स के सामने, जहाँ वो लड़का भी मौजूद हो, तो आप देखना 4-5 दिन में आप चेंज देखोगे। उसको ये बताना कि ये बच्चा मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट है जबकि वो नए हो, तो फिर वो अपने आप देखना सुधार करने लग जाएगा अपने पढ़ने के तरीके में। और फ्रेंड्स, ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 7th क्लास में मेरे प्रिंसिपल ने मेरी प्रशंसा की थी मैथ के लिए, कि इसका मैथ अच्छा है, जबकि मेरा अच्छा नहीं था। तो मेरा उसके बाद मैं हमेशा टॉपर रहा मैथ में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान के किस भाग में शिक्षा के अधिकार के बारे में उल्लेख था? अनुच्छेद 45 ये मूल संविधान में था। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 में काफ़ी फ्रेंड्स डाउट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैंने अनुच्छेद 21A के बारे में, उसके में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया बाद में 2002 में, तो अंतर कर सकते हैं आप आसानी से। और अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस भाग में अनुच्छेद 45 है? भाग 4 में है। तो फ्रेंड्स, आपको आसानी से काफ़ी कॉमेंट आ रहे थे कि अनुच्छेद 45 और 21A में क्या क्या अंतर हैं, तो आसानी से आपको इस पेज पर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है? यह विधि है कहानी कथन विधि, यानी अध्यापक तो एक्टिव रहेगा और बच्चा निष्क्रिय रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि में भी ऐसा ही होता है, बालक पैसिव रहेगा इसमें। और फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, और ये राजस्थान ग्रेड 3 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इसका ट्रिक वाले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, इसका बहुतत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, तो बहुत से यानी बहुकार का बहुत निकाल लेंगे, बहुत का उल्टा थोड़ा हो जाएगा, उल्टा थोड़ा, थोरन डाई के नाम में थोड़ा आ रहा है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ये बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? यूपी टेट में पूछा हुआ, हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर गांधी जी ने बल दिया है। और गांधी जी के बारे में मैंने बताया है कि उनका जीवन भी इसी पर आधारित रहा है, कि वो अपना काम खुद ही करते थे, जैसे साबरमती आश्रम में खुद ही सफाई करते थे, चरखा चलाते थे और अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 का, भारत में प्रत्येक नागरिक को धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किसके अंतर्गत है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक अधिकारों के या लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, पीछे भी एक मूलभूत अधिकार के बारे में पहला क्वेश्चन भी आया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किससे संबंधित हैं? ये हैं विकलांग बालकों के कल्याण से संबंधित है 41 और 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये आमतौर पर विकास के किस चरण को संघर्षों की अवधि कहा जाता है? ये पूछा गया है, ये किशोरावस्था को कहा जाता है। ये DSSB 2014 प्राइमरी टीचर, यानी
प्राइमरी स्कूल के बच्चे 1 से 5 तक क्या वो किशोरावस्था में होते हैं, लेकिन उनके एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, साइको का ये ध्यान रखें कि टीजीटी पीजीटी का टीजीटी और पीआरटी इन सब का थोड़ा लेवल में फर्क होता है। टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में थोड़े क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, लेकिन एक ही है इनका सिलेबस वगैरह, थोड़ा लेवल में ही फर्क रहता है। अगला एक क्वेश्चन आपके लिए, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या स्टेटमेंट दी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, बार बार एग्जाम्स में पूछी गई है और पहले भी वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ उसका। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बच्चों के द्वारा गलतियाँ करनी जरूरी हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी भी हैं ये, क्योंकि ये अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधान खोजने में सहायता करती हैं टीचर की, कि क्या समाधान हो सकता है इसका, कहाँ गलती कर रहा है बच्चा। और फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि टीचर गलती नहीं कर सकता, बच्चा गलती कर सकता है बार बार, टीचर एक भी गलती नहीं कर सकता और बच्चा बार बार गलती कर सकता है। और अगला क्वेश्चन, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है साइको में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, फिर मन को खोया और इसके बाद चेतना को खोया, अब भी यह व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है, यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। और फ्रेंड्स, इसका ट्रिक भी मैंने बनाया है। इसका ट्रिक ये है कि मनोविज्ञान को कुछ हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर आत्मा भी उड़ गई उसकी, फिर मन भी उड़ गया, फिर चेतना भी उड़ गई और व्यवहार व्यवहार बचा उसका। कुछ का मतलब कुछ कब होता है ऐसा, लव हो जाता है, मतलब लव हो जाता है तो उसको आत्मा भी उड़ गई, नींद भी नहीं आती उसको, मन भी खो गया, मन भी उड़ गया, चेतना भी उड़ गई, नींद भी नहीं आती, नींद भी उड़ गई। तो उड़ उड़ से वुड, उड़ से वुड बना लोगे आप, उड़ से वुड, इस तरह से याद रह जाएगी आपके। और ये कॉमन स्टेटमेंट है, आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ का दूसरा कथन क्या है साइको से रिलेटेड, जो इस सीरीज का 8वां वीडियो था उसमें पहला एक क्वेश्चन था उस कथन से रिलेटेड, वो बार बार पूछा गया है वुडवर्थ का, वो स्टेटमेंट आपको लिख के बतानी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आप शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, ये भी पूछा था। तो इससे अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, इसी तरह से संबंधित है। सबसे पहले मैसेज आया अर्चना ठाकुर का, और सबसे पहला सही जवाब विश्व सिंह ने सही जवाब दिया है, उसके बाद विनोद गौतम ने सही जवाब दिया है, फिर हैं जावेद अहमद बिहार से, फिर हैं अंजना रोहिला ने सही जवाब दिया है, फिर हैं अंजू मलिक हरियाणा से सही जवाब दिया है इन्होंने, फिर हैं प्रदीप कुमार योगी, और फिर हैं अंजना रोहिला सही जवाब दिया इन्होंने, और फिर हैं अर्चना ठाकुर सही जवाब के साथ, उसके बाद हैं असरार अंसारी सही जवाब के साथ, फिर हैं महरूबा नाज रूड़की उत्तराखंड से, उसके बाद हैं मोनिका शुक्ला, फिर हैं नफीस अहमद, फिर हैं अनमोल अरोड़ा, इसके बाद हैं नीता प्रवीण सही जवाब के साथ, फिर हैं अनमोल अरोड़ा, फिर हैं विवेक यादव, फिर हैं सुंदर यादव सही जवाब के साथ, फिर हैं सूरज गुप्ता, ये बैरकपुर से हैं, कोलकाता से, फिर हैं करण सिंह कुशवाहा, इसके बाद हैं सुंदर यादव, फिर हैं करण सिंह कुशवाहा, फिर हैं जीत सिंधु, फिर हैं सोनाली राव, फिर हैं जितेंद्र कुमार मीणा, फिर हैं जिया तस्नीम, फिर हैं जिया तस्नीम, फिर हैं यशवंत गुप्ता, फिर हैं गौरव रॉय।